हाय फ्रेंड्स, आज काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज एक साथ इस वीडियो में मैं डाल रही हूँ. ओके एंड यस, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, जॉब में भी जिन लोगों को हेल्प मिली है उनके भी मैं सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे डाल रही हूँ. ओके सो आते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी सक्सेस स्टोरीज पे. एंड मैं थोड़ा सा क्विकली ही पढ़ लूँगी, वाई बिकॉज बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं. तो ध्यान से सुनिएगा एंड इनकी सक्सेस अट्रैक्ट कीजिए, इनसे पॉजिटिविटी लीजिए. कैसे किया है वो देखिए, उसके लिए ही ये सक्सेस स्टोरीज हैं आप लोगों के लिए. ओके सो सुमंदी, थैंक यू सो मच. सेंट एक्सपेडाइट, ही इज़ ऑलवेज विथ मी वेन एवर आई एम स्टक इन एनी सिचुएशन. ऑलवेज ही यूज टू सेव मी. टुडे आई प्रेड टू हिम बिकॉज आई वॉज फेसिंग सम इशूज इन ऑफिस. एक्चुअली ऑल ऑफ अ सडन माई गोल्डन मिनट जी एम सॉरी नॉट गोल्डन मिनट माई जी एम टोल्ड मी दैट दे विल शिफ्ट मी इन अनदर डिपार्टमेंट. एंड आफ्टर दैट I got scared because in that department I don't have any experience. That means they will decrease my salary and my positions too. Immediately in morning I prayed to Saint Expedite that I really don't want to go in that department. Neither I want to change my position or salary. And guess what he saved me? My general manager told me that I will be in my position and in my department only. I have full faith on Saint Expedite that he is there, and if he is there, nothing will happen. I love you, Saint Expedite. Love you, Sumandi, and thank you so much. Because of you, I know Saint Expedite. I know his power. Thank you, Universe. Thank you, Hanumanji. Thank you. Thank you so much. Yes. थैंक यू राहुल जी फॉर शेयरिंग दिस सक्सेस स्टोरी. अब हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे आते हैं. सेंट एक्सपेडाइट इज़ रियली मिराकुलस. आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ के, तो सेंट एक्सपेडाइट का प्रेयर ज़रूर करें. उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी आप लोगों के लिए. सो नेक्स्ट स्टोरी इज़ अगैन ऑफ सेंट एक्सपेडाइट ओनली. आई एम शेयरिंग माई सक्सेस स्टोरी ऑफ सेंट एक्सपेडाइट प्रेयर. द सिनेरियो इज़ आई एम IT प्रोफेशनल एंड वर्किंग इन बिग MNC. सडनली माई प्रोजेक्ट मैनेजर रिलीज्ड from the project and I was interviewing for the other projects, but it wasn't working. I was scared and feeling helpless, but I follow LOA and know the magic of Saint Expedite prayer. So yesterday night literally I was unable to sleep because of this thoughts, and suddenly this idea came into my mind and I just started praying to Saint Expedite and I said, if I will get selected in any of the projects I had interviewed with them, I will be giving you a 3-piece of cake, and also I will share this with 3 groups that I got this project only because of you. So I follow you and your all the videos, so I thought to share this little but big result success story with you. Please share it with the people without taking my name. Thank you, Saint Expedite. Thank you, ma'am. So ये दो stories almost similar हैं job को लेकर के, and इन दोनों में Saint Expedite का prayer है. एक चीज़ और आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे comments में जो भी number आ रहे हैं मेरे मेरी pic लगा के, वो सब fake and fraud IDs हैं. मैं उनके लिए अपने video के starting में भी आप लोगों को बता देती हूँ और वीडियो में भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ ऐसे फेक कमेंट्स पे कभी भी कोई रिस्पॉन्ड मत दीजिए, उनको सीधा डिलीट कर दीजिए. मैं यहाँ से हाइड भी कर रही हूँ, ब्लॉक भी करती हूँ इन लोगों को, बट आई डोंट नो, बहुत बड़ा इन लोगों का ग्रुप है, शायद एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे नंबर के बाद बहुत सारे नंबर, और सब पे आपको मेरे पिक्चर्स मिलेंगे. किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अपना पिक्चर बदल दीजिए, आप अपना जो आपका पिक लगा हुआ है इसमें आईडी में वो बदल दीजिए, चेंज करके देखिए. लेकिन आई एम डेड श्योर दैट ये लोग उस पिक को भी एडिट करके अपने आईडीज में लगा लेंगे. सो इनके फ्रॉड करने का कोई हद नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज़ बचिए इन लोगों से एंड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड मत कीजिए. कमेंट्स में मैं कभी अपने नंबर्स नहीं देती हूँ. मेरे नंबर्स या तो आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे मिलेगा, जो सिर्फ मैं लिख सकती हूँ उसे वहाँ कोई नहीं लिख सकता, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो उसकी भी अथॉरिटी सिर्फ
जिसका चैनल है उसके पास ही होता है, तो वहाँ पे भी हम सिर्फ कमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान आके कुछ भी लिख सकता है। कमेंट्स हर किसी के लिए खुला हुआ है और इसीलिए इन लोगों का बस सिर्फ कमेंट तक ही चलता है, ये लोग सिर्फ कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इनके कमेंट्स में लिखे हुए दिए हुए किसी भी नंबर को कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे। ये सक्सेस स्टोरी है इनकी। हाय मैम, इट्स रियली अमेजिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना मैजिक होगा। मैम, आई एम डूइंग सम टेक्निक्स फ्रॉम 25 डेज एंड नाउ माय लाइफ हैज़ चेंज्ड। नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव। माय एसपी इज़ एवरी डे कॉलिंग वीडियो ऑडियो एंड नाउ ही इज़ केयरिंग फॉर मी टू मच। हाउ डू आई टेल वॉट आई एम फीलिंग। इस तरह से यूनिवर्स वर्क करता है मुझे नहीं मालूम था। मैम, नाउ आई हैव फुल होप दैट आई विल गेट मैरिज कमिटमेंट वेरी सून। बिफोर 1 month आई वॉज वेरी सैड एंड डिस्टर्ब्ड। आई वॉज थिंकिंग टू मच अबाउट माई एसपी एंड उसी बीच आपका वीडियो मेरे सामने आया यूट्यूब पे। पहले तो मुझे लगा ये सब से होगा या बस यूं ही। फिर मैंने आपके चैनल पे सक्सेस स्टोरी देखी, कमेंट पढ़ा मैं सोची मुझे भी ये टेक्निक करनी है। मेरे एसपी उस टाइम मुझे ब्लॉक किए हुए थे। मैं पूरे होप के साथ टेक्निक की, 2 दिन ही टेक्निक की और सेकेंड डे नाइट को ही मुझे अनब्लॉक करके बोले कैसी हो, कहाँ हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, मैं इतनी खुश हुई मैम। उसके बाद अब वो इतने प्यार से बात करते हैं इतने चेंज, अच्छा इतना चेंजिंग आ गया है उनमें, मैं बता नहीं सकती। मेरे एसपी बोल भी रहे थे तुम कुछ जादू टोना की हो क्या मेरे पे। मुझे बहुत हंसी आई। थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम। आप हमेशा खुश रहें मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल। थैंक यू गॉड। 100% वर्किंग। लव यू मैम। प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी फॉर अदर्स पर्सन मैम बिकॉज इट्स 100% वर्किंग। येस, डेफिनेटली आई शेयर दिस। एंड येस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चीज़ें काम करती हैं। आप लोग पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव में रहो। रिलेशनशिप वालों को तो सेल्फ लव में डूब जाना चाहिए, तभी आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर पाओगे अच्छे से। नहीं तो क्या होता है कि कोई टेक्निक किया और वो चीज़ हो सकता है मे बी मैनिफेस्ट हुई और फिर आपको लगेगा कि फिर से वो दूर चला गया। लेकिन अगर सेल्फ लव कर लोगे और डेडिकेशन से करोगे सेल्फ लव, सी सेल्फ लव इज़ समथिंग कि आप अपने ऊपर कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करो। मेरी सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस है 21 days की, प्लीज़ उसे फॉलो करो। बहुत सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ हैं और आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे उसको, क्योंकि सबको मिले हैं। सेल्फ लव इतना पॉजिटिवली रिजल्ट देता है। ओके, उस सीरीज़ को फॉलो करो और जब आप में वो अट्रैक्शन पावर आ जाएगी तो आप अपने पार्टनर को हमेशा अपने पास अपने साथ रख पाओगे रिलेशनशिप में। एंड वन मोर थिंग, देयर वॉज समवन हु हैज़ रिटन अ कमेंट कि ये सारे मैसेजेस मेरे खुद के लिखे हुए होते हैं। प्लीज़ डोंट एवर थिंक लाइक दिस, बिकॉज इतने सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इतने सारे हैं जितने मैंने पोस्ट भी नहीं किए हैं अभी। बहुत सारे तो अभी बैलेंस में पड़े हुए हैं। लोग आके लिखते हैं कि मैम आपने हमारी सक्सेस स्टोरी पोस्ट नहीं की है। तो ये तो या तो वो जानते हैं जिनकी खुद की सक्सेस स्टोरी है, या फिर मैं जानती हूँ क्योंकि मैं पढ़ के सुना रही हूँ। ठीक है, और हाँ, इतना टाइम तो मेरे पास है भी नहीं कि मैं किसी की सक्सेस स्टोरी खुद ड्राफ्ट करके और यहाँ पे लिखूंगी। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वीडियोस देख रहे हैं, सबसे पहले आपका खुद का पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अगर आप दिमाग में इस तरह की थॉट रख के और सोचोगे कि लाइफ में आगे बढ़ जाओ, कभी भी नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड येस, तभी आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। ओके, सो ये सारे रियल स्टोरीज़ हैं, कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है। जो स्टोरीज़ यहाँ पोस्ट करती हूँ मैं, आप इंस्टा पे देख सकते हो, सेम स्टोरीज़ इंस्टा पे भी है। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड।